Honorable Bishop Swami, Most Reverend Michael Acharya, Father Vatican, Sister Gan, Honorable Queen, and Bhai Obeno. Sadhguru, Jayishu. My father, John Munwadi, Dharam Bhattarika, and his priest. Agents of Women, Sambhida, Vice 9, Sam Joseph Kaur, Kavitra Kalisiyaka, Sam Kashirika, Rupi, Kodishiyaka. Yes, I'll be, Rupi Pradipi, Sambhida, Francis. Yes, I'll go, Rupi Pradipan Kaur, Sam Joseph Kaur, Vashaka Rupi, Kodishiyani. Our righteous man is August Maina Ko, Sam Joseph Ka, Father Ke Liye, Rekha Gaya Hi. Is Liye Kaam, Pratana Samarov Me, Vaag Lene Ke Liye, Apna Apna Jaga Me, Upasthit Ke. Aap Sab Logon Ko, Ye Punya Samarov Me, भाग लेने के लिए आदि स्वागत करता हूं। हम लोग जानते हैं कि पवित्र परिवार का पालन पिता संत जोसेफ और मां मरियम केवल साधारण व्यक्ति थे, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करके और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिताकर हम सबों के लिए एक सुंदर आदर्श रखा है। यह सुंदर आदर्श को अपनाने के लिए और पवित्रता में बढ़ने के लिए हम लोग परिश्रम करें और प्रार्थना करें। आज का पवित्र समारोह में आज का पवित्र समारोह चलाने के लिए अभी हमारा बारिश का प्रचार मध्यस्थ को निवेदन करता है। पिता अपुत्र अपवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया प्रणाम मरिया कृपा पूरन प्रभु तेरे साथ है धनिया पुष्पों में और धनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सांता मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ तेरा वचन मुझ में पूरा हुए। प्रणाम मरिया कृपा पूरन प्रभु तेरे साथ है धनिया पुष्पों में और धनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूरन प्रभु तेरे साथ है धनिया पुष्पों में और धनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ। हम प्रार्थना करें हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्ट के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, उसी हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्राय हुए जैसे भाग्य में थी आप है अनंत सच रहे आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्राय हुए जैसे भाग्य में थी आप है अनंत सच आत्मा की बुराए हुए।
यीशु के पालन हर तेरी स्तुति करते हैं हम संत जो सिर्फ यीशु के पालन हर तेरी स्तुति करते हैं हम कुमारी मरियम के निर्मल वर हमारे लिए तू प्रार्थना कर हमारे लिए तू प्रार्थना कर संत जो सिर्फ यीशु के पालन श्रमशील पीड़ित जनता के मध्यस्थ बन तू हे दाता श्रमशील पीड़ित जनता के मध्यस्थ बन तू हे दाता मेहनत के इस जीवन में आश्रय बन तू हम सब का मेहनत के इस जीवन में आश्रय बन तू हम सब का संत जो सिर्फ यीशु के पालन हर तेरी स्तुति करते हैं हम संत जो सिर्फ यीशु के पालन हर तेरी स्तुति करते हैं हम कुमारी मरियम के निर्मल वर हमारे लिए तू प्रार्थना कर हमारे लिए तू प्रार्थना कर संत जो सिर्फ यीशु के पालन करते हैं कि
जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा कीजिएगा। आप हमारे सब दुर्गों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवार के संरक्षक, जिसमें जिसमें हुए संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की चुनौतियों से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद आनंद के सर्वांगीण बन सके। आमीन। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुमारी मरियम के दुल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। दूध में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा दया और साहस दिया और हर भय से हमें बचा। आमीन। जोसेफ की स्तुति की। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, इस दया कर, इस दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, इस हमारे ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। माता त्रित्व की एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। शांत मारिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। शांत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। आपके प्रतिशत कर, हमारे लिए प्रार्थना कर। आपकी का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की माता के शुद्धवार, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुमारी के शब्द रक्षा, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ख्रीष्ट के उत्साहित सुरक्षा, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने का स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति धार्मिक जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति बुद्धिमान जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति साहसी जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति आज्ञाकारी जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति ईमानदार जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। धीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हर जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुमारियों के रक्षा, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मों के संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरने वालों की शांत रक्षा, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपूतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर। कविता कविता के प्रतिपादक, हमारे लिए प्रार्थना कर। एक ईश्वर की महिमा जो संसार के पाला देता है, हम पर दया कर। एक ईश्वर की महिमा जो संसार के पाप हर देता है, प्रभु हमारी सुन। एक ईश्वर की महिमा जो संसार के पाप हर देता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तूने अपने अकरणीय अनुग्रह के अनुसार सेंट जोसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा दी है। हम तुझसे विनती करते हैं ऐसा करके जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं वो स्वर्ग में भी हमारे लिए निर्धारण करें। तू जो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उससे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त ने प्यारे फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसे आज के इस प्रार्थना समारोह की शुरुआत में हमारे पल्ली पुरोहित फादर जोस ने हमें बताया कि इस साल हमारे संत पिता फ्रांसिस ने इस साल को संत योसेफ के नाम किया है, ताकि इस साल में हम लोग विशेष रूप से संत योसेफ को आदर सम्मान दे सके। संत योसेफ हमारे मंडली का, हमारे कलीसिया का संरक्षक है। उसके अलावा हम लोग संत योसेफ को भी परिवार का संरक्षक मानते हैं, और जो बचपन है चाइल्डहुड उसका संरक्षक मानते हैं, जो जोड़ा है जो कपल उनके संरक्षक मानते हैं, जो मरने पर है उनका भी संरक्षक मानते हैं। इस प्रकार हम लोग तरह तरह के उपाधि से, तरह तरह के टाइटल से हम लोग संत योसेफ को सम्मान देते हैं, उनसे प्रार्थना मांगते हैं। यदि भी संत योसेफ को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं, बहुत नाम से उनका आदर सम्मान करते हैं, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब हम लोग बाइबल किताब पढ़ते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा हम लोग को सुनाई नहीं देता। ऐसा बहुत कम हम लोग को संत योसेफ के बारे में हम लोग को सुसमाचार से सुनने को मिलता है। संत योसेफ एक ऐसा आदमी है जो बाइबल में सुसमाचार में तो उसके बारे में कहा गया है, लेकिन वो सुसमाचार में एक भी शब्द प्रयोग नहीं किया है। हमेशा संत रहा है, चुपचाप रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संत योसेफ मैन ऑफ साइलेंस है, जो हमेशा शांत रहता है, चुपचाप रहता है। लेकिन मैन ऑफ साइलेंस है, वही समय में वो भी एक मैन ऑफ एक्शन है, जो हमेशा जो उसे कहा जाता है, जो उसे बोला जाता है, उसको हमेशा वो करता है। हम लोग आज का सुसमाचार में हम लोग सुने हैं संत मत्तियों के सुसमाचार से, हम लोग सुने हैं यीशु के जन्म कैसे हुआ, और हम लोग जानते हैं, हम लोग सुने हैं कैसे शुरुआत में जब
माता मरिया पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। जोसेफ और माता मरिया एक साथ रहने से पहले माता मरिया गर्भवती हुई तो जोसेफ ने माता मरिया को चुपचाप छोड़ने का सोच रहा था, माता मरिया का नाम बदनाम करना नहीं चाहता था। उसी समय दूत ने उनको स्वप्न में बताया कि वे पवित्र आत्मा से गर्भवती है, माता मरिया पवित्र आत्मा से गर्भवती है, इसलिए संत योसेफ माता मरिया को अपना पत्नी के रूप में लेने के लिए नहीं डरे और संत योसेफ तत्परता के साथ से माता मरिया को अपना पत्नी के हिसाब में ले लिया। और हम लोग देखते हैं कैसे संत योसेफ जब कभी उसको कुछ भी कहा जाता है हमेशा काम करने में हमेशा रे तैयार रहता है। जैसे वे इच्छा के अनुसार वे गए, ईश्वर के अनुसार जैसे माता मरिया को ले लिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं जब उनका ये जन्म को मिला कि उनको बेतलहम जाना, क्योंकि उनको नामकरण करना था, क्योंकि संत योसेफ डेविड का घराने का था और अपने नामकरण के लिए वो अपना अपना शहर जाना पड़ता था, इसीलिए वो भी बेतलहम को जाते हैं। और वहां भी हम लोग जैसे जाते हैं उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता, वो ढूंढते हैं यहाँ वहां ढूंढते हैं जगह नहीं मिलता, किसी भी होटल में किसी भी घर में उनको जगह नहीं मिलता। अंत वह गौशाला में जगह मिलता है, वहीं में माता मरिया जीसु को जन्म देती है। तो इन सब चीजों से हम लोग एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि संत योसेफ को जो कहा गया था, ईश्वर ने जो उनको बताया दूत के द्वारा, सब कुछ चुपचाप काम किया। कभी भी ईश्वर को कभी प्रश्न नहीं किया, कभी भी ईश्वर को क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा मुझे क्यों करना है, और कभी भी ईश्वर को ये प्रश्न नहीं किया कि ये ईश्वर आपका बेटा को मैं पलने के लिए लाया हूं, आपका बेटा को जन्म देने वाला है माता मरिया, तो क्यों इतना कष्ट हो रहा है, क्यों इतना दुख हो रहा है। लेकिन संत योसेफ सब कुछ चुपचाप से सह लिया, सब कुछ ईश्वर से आ रहा है बल्कि उनको ग्रहण किया, पूरा खुशी से पूरा पूरा आनंद से ग्रहण करके उनको तो पूरा ईश्वर का इच्छा को पूरा किया। उसके बाद में भी हम लोग देते हैं प्रभु यीशु के जन्म के बाद, जैसे बालक यीशु बालक था तो अचानक सपने में और एक दिन उनको दूत बताते हैं कि उनको राजा है यीशु को राजा हेरोद मारना चाहते हैं, तो क्या क्या, और वो दूत उनको संदेश देता है कि उनको इजिप्ट चला जाना है, इजिप्ट भाग जाना है, क्योंकि हेरोद जो प्रभु यीशु बालक यीशु को मारना चाहता। तो क्या क्या संत योसेफ उस समय भी वो भी कुछ प्रश्न नहीं किया, जैसे ही दूत जैसे ईश्वर का आज्ञा उनको मिला तत्परता के साथ वो माता मरिया और बालक यीशु को लेके चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं। इसे और हम लोग घटना देखने को मिलता है हम लोगों को, जब यीशु को जब 12 साल के थे यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाते हैं, और जैसे वो मंदिर में चढ़ाने के बाद जो रीति रिवाज था जो प्रार्थना था उसको समाप्त करने के बाद में जैसे ही वे वापस आए, वापस आने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि यीशु उनके साथ नहीं है, तो कितना सोची तो कितना माता पिता अपने बालक एक 12 साल का बालक बेटा छोटा बेटा को खो जाने का कितना सा गम हुआ था, दुख हुआ था। संत योसेफ पिता होने के नाते सब उसका दिल में भी अनेक अनेक प्रश्न उमड़ने लगा, अनेक अनेक प्रश्न सब उनके दिल में भी आने लगा, और वही विचार से अपना सोच लेके वो और जल्दी से जल्दी यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं और वहां यीशु को पाते हैं बैठे हुए। और यीशु ने क्या जवाब दिया कि आप लोग नहीं जानते कि मेरा पिता के घर में होना चाहिए। ये सब इतना घटना हो गया तो पर भी संत योसेफ चुपचाप सबको ईश्वर का आज्ञा बोल के चुपचाप सबको मानते गया, सबको सुनते गया और ईश्वर के आज्ञा अनुसार वो जीने लगा। यही चीज हम लोग संत योसेफ से सीख सकते हैं कि अपना जीवन में भी हम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ईश्वर का आज्ञा को जानने की हमें कोशिश करना चाहिए। और कब हम लोग ईश्वर का आज्ञा जो ईश्वर का इच्छा को हम लोग कैसे जान सकेंगे, जब हम लोग हमारा दिल हमारा हृदय हमारा मन शांत रहे। संत योसेफ को तभी ईश्वर का आज्ञा वचन सुनाई दिया जब वो शांत थे स्थिर थे, तभी उनको ईश्वर का आज्ञा सुनाई दिया, ईश्वर का वचन सुनाई दिया। God speaks in the silence of man's heart, हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार हम प्रत्येक जन यदि हम लोग को ईश्वर का आज्ञा अपने जीवन के लिए हम लोग को जानना है तो सबसे पहले क्या होना है, हम लोग का दिल को स्थिर होना है, हमारे मन को स्थिर होना है। हम लोग बहुत समय से देखे हैं कि हमारा मन हमेशा तरह तरह की चीजों को लेके
व्यस्त होता है, हमें ईश्वर का वचन जो ईश्वर मुझसे क्या चाहता है उसको सुनने के लिए हम लोग कभी तैयार नहीं होते। ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए एक एक प्लान बनाया हुआ, ईश्वर प्रत्येक जन के लिए हम लोग का एक उसका एक मास्टर प्लान है, लेकिन हम लोग को उसको सुनने के लिए समय नहीं है। हम लोग अपना अपना काम में अपना जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर जो हम लोग से चाहते हैं हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन संत योसेफ अपना जीवन में दिखाया है कि कैसे हम लोग को अपना जीवन में ईश्वर का आज्ञा को पालन करना है, कैसे हम लोग अपना जीवन ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलाना है। इसीलिए प्यारे क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज इस साल जैसे हम लोग संत योसेफ को विशेष आदर सम्मान करते हैं, ये नहीं होगा, ये काफी नहीं है कि हम केवल जब हम लोग को समय दिया गया है संत योसेफ हम लोग प्रार्थना करें, लेकिन ये भी हम लोग को जरूरत है कि हम लोग भी कोशिश करें संत योसेफ के तरह जीवन बिताना, संत योसेफ के तरह हमेशा ईश्वर का दिखाए हुआ मार्ग पर चलना, ईश्वर का वचन सुन के ईश्वर का आज्ञा को पालन करके हमेशा हम लोगों को सही रास्ते में चलने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। ये आज हम लोग विशेष रूप से संत योसेफ से प्रार्थना करेंगे, जो हम सबों का संरक्षक है, जो हमारे कलीसिया का संरक्षक है, जो हम सब परिवार का संरक्षक है, वे हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी संत योसेफ के तरह हमेशा हम अपने जीवन में ईश्वर का आज्ञा को जाने और पहचाने और उसी के अनुसार अपना जीवन भी आगे बढ़ाए। जय जीसस। दया की माला गिनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम परमेश्वर जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो रही हो, हमारे प्रतिदिन का हमारा आज मेरे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम ये अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु राइट सुरक्षा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू हमें और धन्य है तेरा रब का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों की धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर विश्वास करता हूँ और उसके लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरी मरियम से जन्मे, उन्होंने कुदस कलश के शासनकाल में दुर्भोग का वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र धर्मियों की सहभागिता पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे स्वर्ग पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया
यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण
Yeah.
धन्यवाद।